जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता। आखिर इस संसार में भाग्य से कौन जीत पाया है? भाग्य या किस्मत में लिखे अनुसार जब भी किसी प्राणी की मृत्यु होनी लिखी होती है तो वह किसी ना किसी वजह से काल के मुख में चला ही जाता है। जो विधाता ने विधि के विधान में लिख दिया है वो होकर ही रहता है। जिस प्राणी की मृत्यु जिस स्थान में होनी होती है वह किसी ना किसी वजह से वहाँ पहुँच ही जाता है। दोस्तों, इस वीडियो की हर एक पंक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है, अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो के माध्यम से आप यह भी समझ सकेंगे कि विधि का विधान कितना अटल है। दोस्तों, हर किसी के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब भी कोई बड़ी घटना घटित होने वाली होती है तो उसके अनुसार ही परिस्थितियां अपने आप बनती चली जाती हैं। दोस्तों, कलयुग के चक्रवर्ती सम्राट के बारे में शायद सभी लोग जानते होंगे, जिनका नाम सम्राट विक्रमादित्य था। सम्राट विक्रमादित्य के ही नाम पर भारत में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। राजा विक्रमादित्य बहुत ही विद्वान और प्रजापालक राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को संतान की तरह प्यार करते थे। वह रात में भेष बदलकर अपनी प्रजा के बारे में जानने के लिए पूरे राज्य में भ्रमण किया करते थे। इसी तरह विक्रमादित्य एक बार रात के समय भेष बदलकर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते कुछ समय बीत गया। राजा विक्रमादित्य राज्य की परिक्रमा करते हुए गुजर रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल था। वहाँ पर विक्रमादित्य ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा साथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल के अंदर प्रवेश कर गया। इसके बाद वह लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। अब कुछ ही देर में विक्रमादित्य ने देखा कि एक जंगली भालू उस वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस वृक्ष पर वह लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। भालू को इस तरह वृक्ष पर चढ़ता देख राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उस लकड़हारे ने जब वृक्ष पर भालू को चढ़ते हुए देखा तो वह डर की वजह से थर थर कांपने लगा और डर की ही वजह से उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई, जिस कारण वह वृक्ष के नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। तभी राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि वह भालू भी वृक्ष से नीचे उतरा और एक सुंदर स्त्री में बदल गया और वह भालू एक सुंदर स्त्री बनकर वहीं पास के एक कुएं के पास जाकर बैठ गया। राजा विक्रमादित्य अपनी आंखों के सामने यह सब होता हुआ देख बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे और वह सोच रहे थे कि यह जो भालू एक सुंदर स्त्री में बदल गया है अब वह आगे क्या करेगा। थोड़ी देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि के समय गश्त में थे वह भी वहाँ पर आ गए। वो दोनों ही सिपाही सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब पास के एक कुएं के पास बैठी हुई सुंदर स्त्री पर पड़ी तो अपने बड़े भाई से वह बोला, भैया देखो यह कितनी सुंदर स्त्री है, इसे देखकर मेरा तो मन कह रहा है मैं इससे विवाह कर लूँ। यह सुनकर बड़ा भाई कहता है कि बड़े भाई के कुंवारे रहते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, बड़ा होने के कारण इस सुंदर स्त्री से मैं विवाह करूंगा। इस तरह आपस में बहस करते हुए उन दोनों भाइयों में विवाद शुरू हो गया। कुछ समय तक वाद विवाद हो रहा था, फिर कुछ समय बाद बड़ा भाई बोला कि भाई हम तो व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हैं, क्यों ना हम इसी सुंदर स्त्री से पूछ लें कि यह किसके साथ विवाह करेगी। वह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसी के साथ विवाह हो जाएगा। इस प्रकार से आपस में समझौता करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुँचे। बड़ा भाई लड़की के पास जाकर कहा, हे सुंदरी आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो। तो वह सुंदर स्त्री बोली, मैं समीप के ही गांव में रहती हूँ और अपने पति के खोज में निकली हूँ। यह सुनकर छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है, अगर तुम कहो तो उसे ढूंढने में हम दोनों भाई तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। उस लड़की ने कहा, अभी तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ, मैं अभी कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की खोज में निकली हूँ। यह सुनकर छोटा भाई कहता है,
हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं। यदि तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर सकती हो। लड़की ने कहा, मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ विवाह तो कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब दोनों भाई बोले, आखिर क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूँगी। इतना सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करने के लिए आपस में ही युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने भाला उठाई और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस तरह तड़पते हुए दोनों भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह देखकर वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए वह आगे की ओर चली गई। अब राजा विक्रमादित्य ने उस लड़की का पीछा किए और वह भी उस लड़की के पीछे छुपते छुपाते आगे की ओर चल दिए। राजा विक्रमादित्य एक भालू को वृक्ष पर चढ़ते हुए और उसी भालू को एक सुंदर स्त्री में बदलते हुए देखे थे। ऐसी विचित्र घटना देखकर राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित थे। राजा विक्रमादित्य को अपनी भूख, प्यास और राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान न रहा। राजा विक्रमादित्य को उस रहस्यमय स्त्री के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी, अतः उस लड़की से दूरी बनाकर सावधानी पूर्वक वह उसका पीछा करने लगे। पीछा करते हुए थोड़ी दूर आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि अचानक वह सुंदर स्त्री अब स्त्री नहीं रही। अब वह सुंदर स्त्री एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर और पीछा करने के बाद वह जहरीला नाग एक नदी के किनारे पहुँच गया और देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें बहुत से लोग बैठे हुए थे। वह नाव भी बहुत बड़ी थी। राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि वह जहरीला नाग उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य नदी के किनारे खड़े होकर यह सब देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। उस जहरीले नाग को देखते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठे हुए लोग नदी में कूद गए। उनमें से जिन्हें तैरना आता था वो तो तैरकर नदी के किनारे आ गए, परंतु जिन्हें तैरना नहीं आता था वह सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। राजा विक्रमादित्य यह देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी है और समय का पता नहीं चला। इसके बाद राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह भयानक नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद भी विक्रमादित्य ने उसका पीछा नहीं छोड़े। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर से आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर से अपना रूप बदला और वह एक ब्राह्मण के भेष में अपना रूप बदल लिया। राजा ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह एक ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इसके बारे में आसानी से इससे पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। अब राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से चलकर उस ब्राह्मण के सामने खड़े हो गए और ब्राह्मण को सादर प्रणाम किए, जिसके प्रति उत्तर में ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण से प्रश्न किए कि आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोले, आप सत्य कह रहे हैं या फिर असत्य? आप ब्राह्मण तो नहीं हो। तब उसने कहा, यदि तुम्हें लगता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तो तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तो वह कहने लगा, मैं जो भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले कि मैं सच्चाई जाने बगैर आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका उस समय से पीछा कर रहा हूँ
जब से आप भालू बने हुए थे। उस समय तुमने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर स्त्री बने और सुंदर स्त्री बनकर तुमने मेरे दो सिपाहियों को, जो आपस में सगे भाई थे, उन्हें आपस में ही मरवा दिया। फिर जहरीले नाग के रूप में आकर नदी में छलांग लगाते हुए नाव में छलांग लगा दिया और उस नाव में बैठे हुए लोग आपके ही कारण मारे गए। अब आपने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब आप सीधी तरह सच सच बता दो कि आप कौन हो। तब वह कहने लगा, अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगे। यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं, यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार सिपाही हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित नहीं बच सकते। अब मरने से पहले तुम जल्दी से यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की ऐसी धमकी सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस बेस में ही मुझे पहचान लिया वह कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। अब राजा थोड़ा विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया आप बताइए कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में चार प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राजहट, बालहट, त्रियाहट और योगहट। तुम राजा हो और राजहट पर अड़े हुए हो। मेरी सच्चाई जाने बगैर तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः हे राजन, ध्यान से सुनो, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए तो इस लोक को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूरे अंग बनने के बाद उसके अंदर आत्मा प्रवेश करती है, तब वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसके मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता के द्वारा जन्म लेने से पहले ही निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी के मृत्यु का समाचार आ जाता है तो चित्रगुप्त धर्मराज को सूचित करते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मुक्ति अर्थात मृत्यु का विभाग भगवान शिव के पास है, अतः धर्मराज उस प्राणी की मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आदेश देते हैं, तब मैं मृत्युलोक में आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर ले जाता हूँ या फिर पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी होती है, और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसे ही परिस्थितियों को बना देता हूँ। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। उसके ऐसा बोलते ही राजा विक्रमादित्य बोल पड़े, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, मैंने स्वयं अपने आँखों से देखा है। उस लकड़हारे के मृत्यु का कारण तुम ही थे। तब काल ने कहा, हाँ यह सत्य है कि मैं उसके मृत्यु का कारण था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु उस वृक्ष से गिरकर हुई है, और फिर मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। हे राजन, उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने से ही लिखी थी। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करो तो उनको भी मैंने नहीं मारा, उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर स्त्री बनकर आना पड़ा। नाव में बैठे कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा।
हे राजन, मुझे लगता है अब तो आप ठीक तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया था, और ये भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने काल रूपी ब्राह्मण की बात को बड़े ही ध्यान से सुने और गंभीर हो गए। तब काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। अब यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। तब कालदेव ने कहा, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको आपके मृत्यु का समाचार बता दिया तो इसी समय से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो यह जानते हो कि चिंता चिता के समान है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। हे राजन, अगर मनुष्य अपने मृत्यु के बारे में जान ले तो वह अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाएगा, वह जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा, वह अपने मृत्यु की चिंता में ही खोया रहेगा और वह चिंतित रहेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, लेकिन जो विधि का विधान है वह अटल है, उसे टाला नहीं जा सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहता है, चाहे कोई लाख चतुराई कर ले, लेकिन विधि का लेख कभी नहीं मिटता। इतना कहकर काल गायब हो गया। दोस्तों, जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि व्यक्ति का जन्म कब कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, कौन रिश्तेदार होंगे, किस स्थान पर वह जन्म लेगा, यह व्यक्ति चाहकर भी नहीं बदल सकता। ऐसे ही प्राणी की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, मनुष्य का विवाह किसके साथ होगा और कब होगा, विवाह होगा भी या फिर नहीं होगा, मनुष्य कितना ज्ञानी होगा, कितना बुद्धिमान होगा, वह कितना धनी होगा अर्थात वह कितना अमीर होगा और कितना गरीब होगा, यह कुछ चीज़ें हैं जो मनुष्य के भाग्य में पहले से ही तय हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य के जन्म से पहले ही यह कुछ चीज़ें विधाता द्वारा लिख दी जाती हैं, जिसे फिर कोई नहीं मिटा सकता। इसीलिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य का जीवन मिला है तो कुछ अच्छे कर्म कर लीजिए, पुण्य परोपकार धर्म के कार्य कर लीजिए। दोस्तों, हम मनुष्य हैं और मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए। सांसारिक जीवन जीते हुए थोड़ा सा समय निकाल कर प्रभु की भक्ति कीजिए। यह मानव जीवन बड़े ही भाग्य से मिला हुआ है, और यह मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को इस दुनिया से एक दिन चले जाना है, हमेशा के लिए। ना कोई आया है, ना कोई आया था और ना ही कोई आएगा। इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसको यह संसार छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ेगा। इसीलिए सावधान हो जाइए और इस गृहस्थ जीवन में भी कुछ समय निकालकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए, नाम लीजिए, हरि नाम जाप करते रहिए। हरि नाम में इतनी ताकत है कि आपका लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। इस कलयुग में हरि नाम ही एक ऐसी ताकत है जो जीवन मरण के चक्र से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।